स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन कहाँ शुरू हुआ? ए राजकोट, बी मुंद्रा, सी सूरत, डी गांधीनगर। आंसर बी मुंद्रा। एक्सप्लेनेशन: गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया। इस सुविधा के पहले चरण में 0.5 मिलियन मीट्रिक टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा। ये संयंत्र वित्त वर्ष 2029 तक अपनी पूर्ण क्षमता 1 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। भारत तेजी से तांबे का उत्पादन बढ़ा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। अगला प्रश्न: बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ए जर्मनी, बी इटली, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। आंसर डी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया है जो बालों की बनावट, लंबाई, रंग या शैली पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा। यह विधेयक श्रम संहिता में मौजूदा भेदभाव विरोधी उपायों में संशोधन करेगा। यह विधेयक काले लोगों का समर्थन करेगा जिन्हें अपने बालों के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न: हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किग्रा युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? ए ऋषभ सिंह, बी अजय राठी, सी विनय, डी अतुल कुमार। आंसर सी विनय। एक्सप्लेनेशन: मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के विनय ने 59 किग्रा युवा वर्ग में 120 किग्रा का भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 18 वर्षीय एथलीट विनय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। वहीं इसी इवेंट में मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी फिलिस्तीन। आंसर ए चीन। एक्सप्लेनेशन: चीन में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है। पिछले साल 7.68 मिलियन जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जो 2022 की तुलना में 12.4% की वृद्धि है। शंघाई और जियांगसु, हुनान और अनहुई सहित कई प्रांतों से बढ़ती विवाह पंजीकरण देखे गए हैं। आवास की ऊंची कीमतें, बच्चों की देखभाल के बढ़ते खर्च और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण माहौल के कारण चीन में युवा व्यक्तियों का विवाह करने का उत्साह लगातार कम हो रहा है। अगला प्रश्न: हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ए पाकिस्तान, बी मालदीव, सी भूटान, डी श्रीलंका। आंसर सी भूटान। एक्सप्लेनेशन: भारत भूटान को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भूटान की यात्रा के पहले दिन कल थिम्पू में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भूटान नेतृत्व को आश्वासन दिया कि भारत भूटान के साथ खड़ा रहेगा और दोनों देश आपसी संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार और ऊर्जा उद्योग क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावनाओं की खोज करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र में समझौतों और रेल संपर्क संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।